कोरिया जिले के रक्षित केंद्र बैकंठपुर में कलेक्टर विनय कुमार लंगे और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया। आपको बता दें कि बीते 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आम जन को उनके जीवन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन जिले भर के कोने कोने में चलाकर लोगों को सुरक्षित जीवन और दुर्घटना से बचाव के सुंदर संदेश दिए गए। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। इसका समापन आज यहाँ पे किया गया है। इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे युवा साथी जो उपस्थित हुए हैं, उनको हमारा यही मेन एक संदेश रहेगा कि कृपया करके जो भी ट्रैफिक के नियम होते हैं उनका पालन करें, क्योंकि ये देखा जाता है कि हमारे जो युवा साथी हैं जो है जो टू व्हीलर जब वो चलाते हैं तो बेसिकली ट्रिपलिंग करके चलाते हैं, बिना हेलमेट के चलाते हैं या फिर फ़ोन का उपयोग करते हैं। तो हमारा हमने तो बहुत सारे कैंप्स का आयोजन इस माह में किया भी है, और उन कैंप्स में जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनका सम्मानित किया गया है। परंतु हमारा मेन जो है संदेश युवा साथी के लिए यही रहेगा कि कृपया करके सावधानी से जब भी आप रोड पर आते हैं तो एक वर्ल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। पब्लिक प्रॉपर्टी पर जब आप आते हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है, आपको और अच्छे से और ध्यान से आपको गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो यही एक संदेश है। प्लस हमारे कोरिया के जो आमजन है उनसे मेरा ये निवेदन है, स्पेशली जो पालक हैं जो बच्चों के, वो भी पूरा ट्रैफिक नियम का पालन करें। और बाकी हमारे जो आम जनता से यही निवेदन है, प्लीज़ नशे के हालत में गाड़ी ना चलाएं। फरवरी तक हमारा यातायात जागरूकता सप्ताह चला है, जिसमें यातायात सिपाहियों के द्वारा सभी हाट बाज़ार, स्कूल, महाविद्यालय सभी जगह जाकर यातायात के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। और इसके तहत कई ड्राइवर के नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है, और चित्रकला, निबंध ये सब प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। और निसंदेह जो ट्रैफिक दुर्घटनाएं हो रही है इसके निराकरण में और इसके समाधान में हमें ज़रूर ये जागरूकता से सहयोग मिलेगा।